हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। तो उसमें हम बात करेंगे एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद के एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो आज हम बात करेंगे सीएमपी डिग्री कॉलेज की, इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ रहती हैं आपको इस चैनल के थ्रू सभी कुछ बताया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियोज़ के लिए। 80% अभी भी ऐसे लोग हैं जो केवल वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो बनाने में हमको भी अच्छा लगे। तो इसमें अगर हम बात करें कैसे आप रजिस्टर करेंगे, तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में जितने लोग भी कर रहे हो वहाँ पर काफ़ी लोग फॉर्म गलत भर रहे हो, तो बार बार कॉमेंट करके पूछ रहे हो। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो इसके बारे में बनाया था कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी लोग गलती कर दे रहे हैं। काफ़ी लोग नाम में गलती कर दे रहे हो, तो काफ़ी लोग सब्जेक्ट में भरने में गलती कर दे रहे हो। सभी कुछ आपको बताया गया है, आप चैनल पर देखिए सभी कुछ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज होगा क्या, आप परेशान रहोगे और आपका रजिस्ट्रेशन तक नहीं होगा। तो इन गलतियों से बचो और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलती नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पर देखोगे तो आप, तो हम गूगल पे सीएमपी डिग्री कॉलेज पर आ चुके हैं गूगल से, ठीक है। गूगल पे आप सीएमपी डिग्री कॉलेज डालिए, देन उसके बाद आपको उसकी वेबसाइट सीधे देखने को मिल जाएगी। तो साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एडमिशन पोर्टल दिया हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एडमिशन पोर्टल पर, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखिए, जिस भी कोर्स है आपका, जो भी आपका कोर्स है उसको लॉगिन कैसे करना है, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आपका LLB है, ठीक है, LLB का ऑप्शन लेते हैं, तो देखिए 2022 का है तो पहले 22 डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद LLB लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद आपको जो UGAT का आपका रोल नंबर था, CUET का रोल नंबर, इस बार जितने भी लोग UG वाले हो उनका CUET के थ्रू हुआ है, तो UGAT का जो आपका रोल नंबर है उसको फिल करेंगे। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड भी डालना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से करेंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर हम BA की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आप BA का देखेंगे, BA में भी सिंपल वही चीज़ें हैं, 22 BA कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद आपको UGAT का अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे 22 BA, उसके बाद ये मान लीजिए आपका रोल नंबर है, तो उसको आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो कट ऑफ्स निकल के आई हैं PG वालों के लिए, MA फिलोसफी, MA संस्कृत, MA उर्दू। MA फिलोसफी में अगर हम कट ऑफ देखें तो अनरिजर्व की कट ऑफ 100 गई है, EWS और EWS वालों को सभी को बुलाया गया है। OBC में अगर हम बात करें तो 50 यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो UG और PG वाले दोनों के लिए ये चीज़ें हैं, लॉगिन ID, UG18 नंबर, PG18 रोल नंबर, जो भी आपका है, यहाँ पे आप से जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं आप उसको सिंपली भर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो।